30 जून को धामी सरकार 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर रही है। वहीं सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को कांग्रेस ने पूरी तरह से फेल करार दिया है। जनता टीवी से खास बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार की कमियों को गिनाने का काम भी किया। धामी सरकार 2.0 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर रही है और ऐसे में कई उपलब्धियां भी सरकार की तरफ से गिनाई गई हैं। विपक्ष में बैठी कांग्रेस का क्या कुछ है पूरे 100 दिन के कार्यकाल पर कहना, खुद प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हमारे साथ है। अध्यक्ष जी, सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, क्या लगता है कई उपलब्धियां सरकार की तरफ से सामने आई है? हम तो पूरी तरीके से फेलियर देख रहे हैं। बजट को देख के भी आपको अंदाज आ गया होगा कि क्या है, और चारधाम यात्रा में जिस तरीके से पिलग्रिम्स मरे हैं, 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जो ऑल वेदर रोड थी उसमें एक्सीडेंट जोन जैसे थे वैसे ही हैं। जो लोग आए थे इतनी अव्यवस्था थी, कई लोग पूरा पैसा जेब का खर्च होने के बाद भी दर्शन नहीं कर सके, वापस उनको अपने घरों को लौटना पड़ा है। जिस तरीके से सितंबर में जो सड़कें टूटी थी वो आज भी वैसी ही टूटी हैं, उनमें कोई कार्य नहीं हो पाया। हल्द्वानी से आप अल्मोड़ा का मार्ग देख लीजिए, उसी तरह गढ़वाल के कई मार्ग हैं, जो क्षतिग्रस्त हुए थे वो क्षतिग्रस्त हैं, उनमें कोई रिपेयर्स तक नहीं हो पाई। जब हमारी अंतरिम सरकार बनी तब से लेके 2017 तक 35,000 करोड़ रुपए का लोन सरकार के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी की 2017 से 22 तक की जो सरकार आई, जिसमें ये 100 दिन में से भी कुछ दिन शामिल हैं, इसमें 70,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार किस तरीके से कार्य करी। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। जहाँ नरेंद्र तिवारी जी के टाइम पर सिडकुल का उदय हुआ, सिडकुल बना, अनेकों अनेक विकास कार्य हुए, सड़कों की दशाएं सुधारी गई, बड़े बड़े पुल बनाए गए, फ्लाईओवर बनाए गए, तब सब कुछ मिला के 35,000। और जिन 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, जमीन में कोई काम होते हुए नहीं दिखाई दिया, उन 5 सालों में 70,000 करोड़ रुपए का लोन इस सरकार ने लिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या सरकार ने किया होगा, किस तरीके से बंदर बांट हुई है। देखिए, सरकार का दावा है कि आते ही एक बड़ी घोषणा कॉमन सिविल कोड की दी गई, उसके बाद भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस, और अभी हालिया जो वीकेंड पर सभी मुख्यमंत्री मंत्री अधिकारी गांव-गांव घर-घर जाके जनता के द्वार कार्यक्रम करेंगे, इन सब चीजों मैं वही कह रहा हूँ ना, दिखाने और बोलने में क्या जाता है। पहले लोकपाल की नियुक्ति, 100 दिन में काला धन भी तो कहा था, 100 दिन में काला धन ले आएंगे, 100 दिन के अंदर हम लोकपाल की नियुक्ति कर देंगे, कहाँ गई? ऐसी ये घोषणाएं भी हैं। घोषणाएं करने में क्या, कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं क्या? आपने थारू बुक्सा से पूछ लिया कि क्या करने वाले हैं? क्या आपने ध्यान दिया? क्या आपने माइनॉरिटीज पर ध्यान दिया, जो उनके धर्म हैं, जो उनकी परंपराओं से पीढ़ियों से चले आ रहे कानून हैं, क्या उसके बारे में आपने रिसर्च कर ली है? कहना और करने में बहुत फर्क है, और स्टेट का सब्जेक्ट है ही नहीं कॉमन सिविल कोड। तो ये खाली और खाली लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की बातें हैं। केंद्र सरकार को इसमें स्टेप लेना होगा, और उसमें भी अभी जिस तरीके की विविधता में एकता वाली बात भारत में है, उसमें सभी धर्मों को, सभी लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, सबसे राय मशवरे के साथ, जो राष्ट्र के लिए सबसे सही होगा, उपयुक्त होगा, वो कदम उठाने की ज़रूरत है। ये केवल लोकप्रियता पाने के काम नहीं है। 100 शब्दों में संक्षेप में क्या बोलें, 100 दिन का कार्यकाल किस तरह फेल? थे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं और साफ तौर पर 100 दिन के सरकार के कार्यकाल को पूरी तरह से फेल बताया है। सीधे तौर पर जो मूलभूत चीज़ है बजट, उसका आंकड़ा गिनाने का काम किया है कि पिछले 2017 से पहले की क्या स्थिति थी और 2017 के बाद मौजूदा क्या हालात हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत कांबोज, जनता टीवी, देहरादून।